सुन ठिकाणा ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे निरंजन का वो पार न पावे। ओए हाय, कहते हैं ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इस काल के इस सारे व्यवस्था को कर रहे हैं और इन्हीं को भगवान मान कर ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। अब क्या बताते हैं कि इसने इन तीन लोक पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक जो इंद्र का लोक है और पाताल लोक जहाँ पर ये प्राणी हैं, तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर जो कर्म करते हैं उनको पाताल और स्वर्ग लोक में स्थान देते हैं यहाँ के कर्म आधार पर। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तीन लोक अपने बेटों को दे रखा है इसने सुत को सुतों को और खुद ये बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट यानी अंतिम छोर पर सुन शिखर में ऊपर चोटी में बैठे हैं। और कहते हैं वह गुप्त रहता है। यह गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं कहता है कि मैं ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे अव्यक्त को मुझे व्यक्ति मान रहा है, कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण ना हूँ, मत इसमें बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के समक्ष नहीं आता। यह मेरा अटल अनुतम घटिया विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। वो तो गुप्त रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों की ओट में हो जाता है तो वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहाँ विद्यमान है, वो छुप गया इन बादलों से। ऐसे ही ये परमात्मा ये काल भगवान भी व्यक्त है, वहाँ पर भी साकार है लेकिन अव्यक्त इसलिए कहता है कि मैं छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। आता है तो भेष बदल के आता है, किसी का ब्रह्मा रूप में, किसी का विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए। तो हम भ्रम में पड़े रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र ही प्रभु हैं। कभी याचना करते ये काल आ जाता सामने विष्णु रूप में तो हम विष्णु जी को ही भगवान मान कर इन्हीं की साधना करते रहते। तो ऐसे क्या बताते हैं? अब तीनों देवता भी इस काल को ढूंढने की खोज करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको भी आज तक इसने दर्शन नहीं दिए। तीन देव सो उसको धावे निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा तीन लोक जीव कीन आहारा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये बट पारा माने ठग है यो काल है और तीन लोक के जीवों का अन्यत आहार करता है। ये अलख निरंजन बड़ा बट पारा तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिसके सुत हैं तीनों देवा अंधर जीव करते हैं सेवा। ये इस काल के तीन बेटे हैं और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी की। जैसा अभी आपको बताया था शिवपुराण में प्रमाण दिखाया कि ये कहता है काल के ब्रह्मा और विष्णु के कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को स्वामी ईश मान लिया, ये बहुत गलत किया, तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए मैं यहाँ रण स्थान में आया हूँ। और यही परमात्मा कह रहे हैं 600 वर्ष पहले कहा करते थे, आज हमारी पुराणों में विद्यमान है। तो परमात्मा कबीर जी हैं जिन्होंने पुराण और वेदों को पढ़ा भी नहीं कभी, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, जैसा हम आप कहा करते थे आप जी, और फिर भी उन्होंने वेद और पुराणों का ज्ञान दिया, तो वो परमात्मा हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। तीनों देव और अवतारा ताको बजे सकल संसारा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्ह काल पाए सभी गैलीन। अकाल पुरुष किसी ने नहीं पाया, इस काल को सब ने भगवान मान रखा है, ब्रह्म ही परमेश्वर है, सब कुछ है। ब्रह्म काल सकल जग जाने आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पारो। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कथा सुनाई,
ये ज्ञान दिया। पुणात्माओं, हमारे अंदर लोक वेद इतना गहरा घर कर चुका है, इतना ज्ञान सुन के परमात्मा ने प्रमाण बताए, शिव पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। अब इतना समय नहीं तो दास आपको दिखाता, फिर शाम को देखेंगे। अब यो वर्षों से लोक वेद सुन रखा था, धर्मदास जी कहने लगे, भगवान एक अर्ज है मेरी। परमात्मा बोले, बोल भाई, के अर्ज है तेरी? हे भगवान, वैसे तो आप जो कहोगे वो सही होगा, लेकिन मेरे मन में कुछ उथल पुथल हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं शंका समाधान करवाऊं। परमात्मा बोले, बोल भाई, पूछ। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, आपके तो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बना मोरध्वज राजा के पुत्र तामरध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा के और जीवित कर दिया भगवान। परमात्मा बोले, भाई एक बात बता, वही श्री कृष्ण भगवान था, उसका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ चक्रव्यूह में, तो भगवान श्री कृष्ण जीवित ना कर सके। अब धर्मदास जी ने देखा एक फाड़ के, सच्ची यह बात तो सही है। परमात्मा बोले, अरे सुभद्रा रोवे श्री कृष्ण की बहन जिसका बेटा था, श्री कृष्ण रोवे भांजा मर गया, पांचों पांडवों का कुल नाश हुआ था, श्री कृष्ण ने जीवित क्यों ना कराया, वो जब समर्थ थे तो। अब धर्मदास तो मुंह बाया का बाया रहे, क्योंकि हमने तो एक तरफा ज्ञान सुन रखा था। तो परमात्मा ने कहा, अब मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सका, कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी बेटा, और उस कटे हुए शरीर को इतने ये शक्ति है, इनमें सिद्धियां हैं, ये तो एक गोरखनाथ जी में भी सिद्धि थी, इनमें भी सिद्धि है, और ये ऐसे कटे हुए के जीवित कर सकते हैं लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु का प्रारब्ध चक्रव्यूह में मरना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सका। तो समर्थ कहाँ रहा? और वेदों में लिखा है परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा देता है, श्री कृष्ण से आयु नहीं बढ़ी थी इसलिए ये परमात्मा नहीं था। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट किया है कि यदि किसी भक्त की मृत्यु भी हो गई है तो परमात्मा उसको 100 साल की आयु तक जीवित कर सकता है, रख सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में भी यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा साधक की अपने भक्त की आयु बढ़ा देता है। अब धर्मदास ने सोची, फिर प्रश्न क्या किया कि हे भगवान, आप कह तो ठीक रहे हो पर मेरे मन में यह बात जचती को ना, मेरा यकीन सा ना हो रहा, क्योंकि पिछले जन्मांतर से लाखों लोगों से यही सुन रहा क्या कृष्ण इज गॉड, कृष्ण इज गॉड। परमात्मा बोले, भाई ना यकीन आता तो बाढ़ में जा, अंतर ध्यान हो गया परमात्मा एकदम एड्रेस हो गया, इतना कुछ कह लिया फिर वहीं अड़ा खड़ा है टट्टू। अब एकदम मालिक फिर दोबारा अंतर ध्यान हुए, फिर धर्मदास का कलेजा फट गया और रोन लग गया। नो कहे, भगवान गलती होगी दाता, मत घना नीच हूँ, हे परमात्मा मैं पापी आत्मा हूँ, मन फिर दर्शन दे दो, अब कभी भी वाद विवाद नहीं करूँगा। परमात्मा कहा करते थे कि वाद विवाद करना चाहिए, पर वाद विवाद की कुछ सीमा होती है, जब सारी बात बता दी, प्रमाण दे दिए, फिर नो कहे मेरे तो ना जची, फिर गुह में पढ़ना जची दे। अब क्या बताते हैं, जब धर्मदास जी ने देखा कि ईब के तो भगवान गणे रुष्ट हो गए, ये कद्दे नहीं मिले मेरे का, आँखों में पानी, बुरी तरह रोया जैसे बालक रोया करें जिसके माता पिता दोनों मर जाएं, छोटा सा बालक हो इस तरह रोए, मुंदा पड़ पड़ कर रोए, ऊपर ने देखा कदी इधर देखा अनु देखा कहीं पीछे तो नहीं छुप गए मेरा। अब वो वृंदावन भी छोड़ दिया, वृंदावन से फिर बरसाने जाया करें, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से बरसाने जरूर जाते हैं, जो कहते हैं बरसाने में, कहते हैं बरसाने में राधा जी हुई थी और राधा जी की सिफारिश लुवाणी जब श्री कृष्ण मिल रहे
थरा गज वो ये के त के बना दी दंत कथाएं। अवाना तो राधा राधा जी ना कृष्ण जी हैं, और राधा जी की सिफारिश जब जब कृष्ण जी मिल भी गए तो फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो भी अपने कर्मों के दंड को भोगते रहते हैं, उनसे भी अपने पाप ना कटे, तीन ताप तोरों को काटेंगे कैसे। जैसे श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को चे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि जब उसको बंदर का मुंह लगा दिया था कि तू एक जीवन अपनी पत्नी की वियोग में बितावेगा, वो श्राप भी वो ना काट सका, सारा जीवन भोगना ही पड़ा। फिर श्री राम रूप में विष्णु जी ने मारा था, सुग्रीव का भाई बाली को मारा था और वो भी उसने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त तीर, और भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार इस ज्ञान को भी समझकर नहीं मानते, सारा कुछ बता दिया फिर भी वो कहता है मेरे तो समझ में ना आई, तो दूसरा तरीका अपनाया परमात्मा ने। अब परमात्मा वहां से चल पड़े तो रोता है धर्मदास, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप किसी एसी कमरे में बैठे हो और लाइट चली जा, फिर देखो पसीनो पसीना बुरा हाल हो जा। तो ऐसे ही जब परमात्मा साथ बैठे थे उसकी आत्मा में अलग से एक उमंग थी, एक न्यारी खुशी थी, क्योंकि मालिक का गुण है जीव को स्वाभाविक, उसके आसपास बैठा हुआ व्यक्ति आप पर सुखी हो जाता, जैसे चंदन के पेड़ के पास स्वाभाविक उसमें से सुगंध निकल रही होती है। अब फिर वहाँ रोने लायक गए, अब क्या कहता धर्मदास, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सारा ज्ञान सुनकर फिर ये बकवाद करने लग गया, सुन जनता क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे, मैं ना बानू बात तुम्हारी ही, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश पूजाऊँ, इनकी सेवा सदा चितलाऊँ। अब परमात्मा बोले अच्छा भाई इनकी कर ले तू, अपा चाले। अब फिर उसका समझ में आएगी वो को उतरेगी, ऐसी स्थिति होगी जैसे एसी रूम में बैठे हुए कि बिजली भाग जा और चारों तरफ तो बंद हो। तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, तावा लीन बहे निर्बानी, मगन रूप साहेब सैलानी। परमात्मा एकदम अंतर ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। जैसे गरीब आदमी मुश्किल से खेती तैयार करे और उसने कोई लूट ले जा लफंडर, फिर वो सारी सारा एक वर्ष के लिए भूखा मरे, उसको बहुत दूर तक याद आती है, मरेंगे बच्चे भी भूखे मरेंगे। तो कहता है आज मुझे इतना कष्ट हो गया जैसे निर्धन की एक गरीब आदमी की कोई खेती चुरा ले जा, कणक ठा ले जा, ये भगवान आपके बिछुड़ने से अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। रोवे अगर चल पड़ा मथुरा की ओर ना बांधोगढ़ की तरफ, कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी इधर न देखे, कभी ऊपर न देखे, कभी भगवान आकाश में तो नहीं है, मेरे पीछे तो नहीं छुप गए हैं। फिर ढूंढा अमी से नाड़ी है, तो ढूंढा ढंडा था वो खो दिया, इसी अकल हमारे मंदिर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वे मग जोवे। अब क्या कहता है धर्मदास, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गर कूपा। ए भगवान हमने तो आपको हमारे जैसी शरीर वाला मान लिया था, हमारी बुद्धि तो जेरे कुए जैसी, अंधे कुए जैसी है मालिक, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पियाना। ए भगवान हमने तो आपको एक मानुष मान लिया था, मनुष्य ए परमात्मा आप चले कहाँ गए, एक बार बता दो मैं वहीं आ जाऊंगा।